नमस्कार मित्रों, बड़ी खबर मौसम के बारे में जानेंगे। आज 21 सितंबर के दौरान सुबह से लेकर शाम के बीच संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा बना रहेगा, किन किन जगहों के लिए वापस बरसात की गतिविधियां रहेगी, कल के मुकाबले आज बारिश की गतिविधियां में कमी रहेगी, हालांकि कुछ इलाकों के लिए बरसात की गतिविधियां भी होगी और बादल छाए रहेंगे। लगातार बादलों की आवाजाही के साथ कुछ इलाकों के लिए मौसम बारिश वाला भी बनेगा। साथ ही आपको बता दें 25 व 26, 27 व 28 सितंबर के आसपास राजस्थान के कुछ जिलों के लिए वापस बरसात वाली भी गतिविधियां बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, तमाम वो जानकारी मिलेगी। बाकी बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम भी उभर रहा है। इस समय मानसून ट्रफ लाइन बीकानेर, साथ ही नागौर होते हुए अजमेर होते हुए बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम उभर रहा है वहां तक बनी हुई है। और साथ ही आज राजस्थान में 21 सितंबर के दौरान कैसा मौसम रहेगा, इसके बारे में अपडेट दिया जाए तो आज 21 सितंबर के दौरान कहीं न कहीं अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भिंडर, सलोमबर और साथ ही इधर निमोड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा से लेकर आसित, ब्यावर, जैतारण, देवगढ़, राजसमंद, जाजपुरा, केकड़ी के कई इलाके, मालपुरा, टोंक, सवाई माधोपुर, चाकसू, बनोली, दौसा, गंगापुर सिटी, अलवर, खरतल, तिजारा, डेंग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, कठपुतली, विराटनगर और इधर सीकर के सवाई माधोपुर के इलाके, जयपुर, रेनवाल, फुलेरा तक सुबह के दौरान बादलों की आवाजाही के साथ बूंदाबांदी वाला मौसम और कई जगहों के लिए मौसम बारिश वाला भी रहेगा। दोपहर तक कुछ कुछ इलाकों के लिए बूंदाबांदी वाली की गतिविधियां और पूर्वी दिशा से पश्चिमी दिशा की ओर तेजी से भागते हुए बादल देखने को मिलेंगे। साथ ही इधर बात कर लेते हैं चूरू, सीकर, झुंझुनू, डीडवाना, सुजानगढ़, साथ ही लोनकरनसर, बीकानेर, पल्लू, नोहर, भादरा से लेकर यहाँ पर भी उत्तर पूर्वी हवाओं के साथ लगातार बादलों की आवाजाही, बौछार या बूंदाबांदी वाला मौसम रहेगा। दोपहर तक कुछ इलाकों के लिए बूंदाबांदी, छिटपुट बारिश की गतिविधियां रहेगी। इधर सुजानगढ़, डीडवाना, मकराना, कुचामन सिटी, डेगाना, नावा, परबतसर से लेकर मेड़ता, कुचेरा, अजमेर से लेकर ब्यावर, जैतारण, सोजत, देवगढ़, आसित, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलोमवर, भिंडर से लेकर कहीं ना कहीं आबू रोड, सिरोही तक, रानी पाली, जोधपुर और त्योरी, ओसिया, भोपालगढ़, बिलाड़ा, यहाँ पर लगातार पश्चिमी हवाओं के साथ बादल छाए रहेंगे और बादलों की आवाजाही वाला मौसम बना रहेगा। इधर बात कर लेते हैं सांचौर, धोरीमीना, सीडवा, सेडवा, बाकासर, सराना, शेरगढ़ से लेकर उंडू, सेव, बाड़मेर, गड्रा रोड, मिजराजर, तन्नोट माता से लेकर रामगढ़, जैसलमेर, भल्ला से लेकर बीकानेर, रणजीतपुरा और फलोदी तक लगातार बादलों की आवाजाही वाली स्थिति रहेगी। शुष्क मौसम रहेगा, दक्षिणी पश्चिमी के साथ हवाओं का प्रभाव रहेगा और कुछ जगहों के लिए छिटपुट फुहार रहेगी और पूरी तरह से बादलों की आवाजाही और धूप छांव के बीच मौसम पश्चिमी राजस्थान का शुष्क बना रहेगा। हालांकि दोपहर के बाद कहीं ना कहीं भोपालगढ़, मेड़ता, कुचेरा, नौखा, बीकानेर और साथ ही यहां पर बादल छाए रहेंगे। सर्वाधिक कहीं ना कहीं डीडवाना, कुचामन, मकराना से लेकर सुजानगढ़, सुजनगढ़ के अलावा श्री डूंगरगढ़, लोनकरनसर और पल्लू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ से लेकर नोहर, भादरा, सरदार सेर, चूरू, राजगढ़, झुंझुनू, सीकर, सवाई माधोपुर के इलाके, वहीं कठपुतली, विराटनगर, अलवर, दौसा, चाकसू और टोंक के इलाके, यहाँ लगातार दिन भर बादलों की आवाजाही वाली स्थिति बनी रहेगी। घुमा फिरा कर हवा का प्रभाव बना रहेगा। बीच बीच में कई इलाकों के लिए हल्की बारिश या बूंदाबांदी वाला दौर रहेगा। इधर कोटा, बारन, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के कई इलाकों के लिए दोपहर के समय हल्की खंड बारिश की गतिविधियां रहेगी और ज़्यादातर इलाके बादलों की आवाजाही धूप छांव वाला बना रहेगा और घुमा फराव कर लगातार हवाओं का प्रभाव बना रहेगा। इसी तरह 22 सितंबर के आसपास इधर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी से कहीं ना कहीं आपको बता दें नया सिस्टम 22 से 23 सितंबर के आसपास उठने की संभावना है और यह डीप डिप्रेशन कहीं ना कहीं पश्चिमी दिशा की ओर आगे बढ़ने की संभावना लगातार बनती हुई दिखाई दे रही है। इस डीप डिप्रेशन के कारण महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के इलाके और एमपी के इलाके के लिए कई जगहों के लिए जोरदार भारी बरसात होगी। राजस्थान में इसका असर काफ़ी कम दिखाई देगा। हालांकि उदयपुर व बांसवाड़ा संभाग के और कोटा संभाग में इसका आंशिक रूप से कहीं ना कहीं 25-26 सितंबर के आसपास देखने को मिलेगा और इसके बाद महाराष्ट्र, इंदौर, जलगांव, अकोला, नासिक, औरंगाबाद से लेकर सूरत, अहमदाबाद तक कहीं ना कहीं
25 से 26 सितंबर के आसपास कई इलाकों के लिए भारी बारिश होगी। वहीं 25 सितंबर देर रात तक कोटा, बारन, बूंदी, झालावाड़ के इलाके, इधर भीलवाड़ा, केकड़ी, जाजपुरा, मालपुरा, टोंक से लेकर बनोली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी तक एकाध जगहों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां कोटा संभाग से लेकर होगी। वहीं बांसवाड़ा से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सलूम्बर तक भी भारी बारिश 25 सितंबर देर रात तक देखने को मिलेगी। 25 से 26 सितंबर के आसपास दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर असर रहेगा। हालांकि 27 से 28 अगस्त के दौरान राजस्थान में बादलों की आवाज़ जो है ज़बरदस्त बढ़ेगी और कई इलाकों के बूंदाबांदी वाला असर रहेगा। लेकिन 26 से 27 व 28 सितंबर के आसपास गुजरात के कई हिस्सों पर भारी बरसात की संभावना रहेगी। आगे की जानकारी आपको समय अनुसार देते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। लगातार मौसम की अपडेट की जानकारी ऐसे ही मिलती रहेगी।